एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। वे परिवार सहित उस इमारत के पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले वह वैद्य जी को उस दिन के घरेलू आवश्यक सामान की सूची एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो चीजें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आकर बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन जब वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपने आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। वे चिट्ठी में कुछ यूं देखते हैं कि आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटे का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर तो वैद्य जी सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी जो आए हुए थे उन्हें वैद्य जी ने देखकर दवाई देना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। जब पूर्व उपस्थित मरीज दवाई लेकर चले गए, तो वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब मुझे लगा कि मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि ईश्वर मुझ पर कृपा करना चाहते थे और मेरा घर आबाद करना चाहते थे। मैं तो कार से अपने घर जा रहा था, पर ठीक आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, और मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे ही कारण खाना खाने नहीं जा रहे हैं, अतः मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, दौलत, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये सब किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाई अपने दो भागों में विभाजित कर दो अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे, तो आपने कहा था, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया।
उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है, अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और हृदय में कुछ लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चित्त वैद्य कितना महान है। खैर, मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। और वही हुआ। आज मेरे घर में दो फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हो तो कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है, केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था कि ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो कि शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन रथ की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दिया करते हैं, परमात्मा उनके लिए क्या क्या नहीं किया करते। आवश्यकता है बस एक सच्चे हृदय से समर्पण की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।